हल्द्वानी से सटे कटघरिया में इस बार रामलीला कुछ खास है, क्योंकि यहां रामलीला मंचन में बालकों के साथ बालिकाएं भी रामलीला में हिस्सा ले रही हैं। बाबा हीड़ा खान रामलीला कमेटी और सांस्कृतिक कला मंच साल 1978 से लगातार रामलीला का आयोजन कर रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब बालिकाएं भी पाठ खेलती हुई नजर आएंगी। इस अनूठी पहल के चलते यहां के आयोजकों समेत स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं किरदार निभा रही बालिकाओं में भी उत्साह साफ नजर आ रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री श्री 1008 बाबा हीड़ा खान रामलीला मंच में कटघरिया में रामलीला का मंचन किया जा रहा है और नवरात्रि के प्रथम दिन से 15 तारीख से यहां रामलीला का मंचन होगा। और जैसा कि हम आज तक का पढ़ते हुए आए थे, हम सिर्फ कागजों में ना रह के हमने उसको धरातल में उतारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। और हम हर जगह नारा लगाते हैं कि फूल नहीं चिंगारी है। यार यहाँ हर समय हम लोग बचपन से रामलीला देखते आ रहे हैं, तो हर समय लड़के ही करते थे। इस बार हम बालिकाओं को भी पाठ खिलाया गुरुजी ने, तो हमें बहुत उत्सुकता हुई कि हमें भी आगे बढ़ाने की, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हमें भी हर साल गुरुजी पाठ कराए। हम यहाँ इसी मतलब हमने हर साल यहाँ रामलीला देखी है, तो हमें यहाँ वैसे भी अच्छी लगती है यहाँ रामलीला। तो इस बार हमने भी यहाँ पाठ किया है श्री रामचंद्र की माता कौशल्या का पाठ, तो हमें यहाँ अच्छा लगा। हमारे जो गुरुजी हैं वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारे जो और लोग हैं वो भी हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें ऐसा ये रामलीला जो शुरू हुई थी महाराज जी के आंगन में 1978 से शुरू हुई थी, जिसका मतलब मैंने ही रेगुलेस किया था, तो आप लगा लीजिए कितनी पुरानी रामलीला कमेटी है। और हर साल हम पात्रों को भी चेंज करते रहते हैं, नवीनता लाते हैं। कैसा पहले जितने राग रागिनियाँ थी हमने उनको जीवित रखा अपनी संस्कृति को। आप 1008 बाबा हीड़ा खान रामलीला कमेटी में सभी देवतुल्य जनता का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। विगत 40 से 50 सालों से इस प्रांगण में रामलीला लगातार होती आ रही है और सभी क्षेत्र के यहाँ पर कलाकार इसमें अभिनय करते हैं। सारे बुजुर्ग सारे क्षेत्र की जनता का यहाँ पर सहयोग रहता है, सब लोगों के सहयोग से रामलीला होती है। श्री रामचंद्र जी के चरितार्थ को यहाँ पर दिखाया जाता है।